सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What stocks are going down? Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 22 जुलाई 2019 मंडे है, सुबह के 8:16 हो रहे. लास्ट वीक खत्म होते हुए हमने देखा कि निफ्टी में जबरदस्त एक फॉल आया है. फ्राइडे को ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली. सो अभी टेक्निकली कहां पर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स है, कहां से बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है, ये एज पर प्राइस चार्ट निफ्टी का चार्ट देखकर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. फंडामेंटली ज़्यादा हम बात नहीं करते, टेक्निकल लेवल्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. फंडामेंटली देखें तो फिलहाल अभी हमारे नज़रिए से जो फिगर्स है इकोनॉमिक डेटा की देखें तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है. लेकिन GDP जो है और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा उसके फिगर्स अभी भी अच्छे नहीं है. तो लेकिन ये जो रैली आई थी ये पॉजिटिव होप कि आगे ये गवर्नमेंट आने के बाद आगे फटाफट अच्छा होगा, इस होप के साथ ये रैली देखने को मिल रही थी. लेकिन अभी तक ये फिगर्स एक्चुअली जब तक अच्छे नहीं आते तब तक ये थोड़ा मार्केट में हमें प्रेशर दिखाई देगा. लोकसभा में इस गवर्नमेंट को बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो काफ़ी बिल पेंडिंग है, फटाफट अप्रूव नहीं हो रहे. तो हमारी उम्मीद से 2020 में जब राज्यसभा में भी बहुमत आ जाएगा तो हो सकता है एक ग्रोथ का जर्नी यहाँ से दिखाई दे. तब तक यहाँ पर एक प्रेशर देखने को मिल सकता है. हालांकि अभी भी ये मंथली चार्ट लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट से देखें तो अभी भी यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, आगे हम देखेंगे. लेकिन ये फ्राइडे के एनालिसिस का एक पहला क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है 19 जुलाई 2019, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो ब्रेकआउट लेवल हमारा फ्राइडे का बन रहा था 11,618 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,582. ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. जैसे कि आप देख रहे हैं फ्राइडे को हमारा जो फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ पर प्लान किया था 11,634, इसके पास ही ऑलमोस्ट ये ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ. और जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ उसके बाद फर्स्ट टारगेट 11,560 और सेकेंड टारगेट 11,544 ये भी अचीव हुआ. तो यहाँ से और भी नीचे की तरफ हमें फॉल दिखाई दिया. लेकिन जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं. गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े लोगों के ऊपर टैक्स भी काफ़ी बढ़ा दिया है. तो FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो भी कुछ टैक्स बचाने के लिए पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट से. तो काफ़ी सारी बिकवाली देखने को मिल रही है. नेचुरल है, हर कोई टैक्स बचाने के लिए देखता है. और इस महीने फर्स्ट ये फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो काफ़ी उठापटक देखने को मिल सकती है निफ्टी इंडेक्स में. और ये वीक जो है वो मंथली एक्सपायरी का वीक है, तो कॉशियस रहिए. कहाँ से रिकवरी भी आ सकती है, बाउंस बैक भी आ सकता है. टेक्निकली लेवल्स क्या आ रहे हैं बाउंस बैक के लिए आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन ये ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. उससे पहले अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक फ्राइडे को प्रेशर में दिखाई दिए, लाल निशान में बंद हुए. और यूरोपियन बाजार भी देखे तो पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए लेकिन कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिली वहां पर. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के ही 78 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. हांगकांग मार्केट 239 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और चाइना मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और SGX निफ्टी 25 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे, प्रेशर बना हुआ है. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. मंथली चार्ट से एक बार शुरू करते हैं. हर महीने का जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है तभी हम मंथली चार्ट का भी एनालिसिस करते हैं. अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो जुलाई का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था तभी भी हमने मंथली चार्ट को एनालिसिस किया था. जून का जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था तभी भी मंथली चार्ट को एनालिसिस किया था. आप वो पास्ट वीडियोज को रिफर कर सकते हैं.
तभी हमने यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न RSI का आइडेंटिफाई किया था, जो कि यहाँ पर डाइवर्जेंस है, बियरिश डाइवर्जेंस। अगर मैं इसे ये प्राइस एक्शन में कन्वर्ट कर दूँ, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ इसको कैंडलस्टिक को, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि ये प्राइस एक्शन में तो हायर हाइज बन रहे थे, लेकिन ये जो RSI है मंथली चार्ट में यहाँ पर क्लियरली बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहे, यानी ऊपर हायर हाई बनते जा रहा है और नीचे RSI में लोअर हाइज बनते जा रहा है। ये क्लियरली हमें ये दिखाते कि बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है कंपेयर टू बेयर्स के स्ट्रेंथ में, तो हो सकता है यहाँ से एक जो भी टॉप बने वहां से एक सडन फॉल आ सकता है। तो RSI हमें क्लियरली पहले ये पैटर्न दिखा रहा था जो कि बियरिश पैटर्न है, डाइवर्जेंस है कि बुल्स की यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो रही है। अभी भी मंथली चार्ट में देखे तो ये जो 20 EMA है इसके ऊपर बना हुआ है, यानी स्ट्रक्चर बुलिश है मंथली चार्ट के हिसाब से, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट से। पास्ट में हमने देखा था इसने कई 1, 2, 3, 4, 5 महीने 20 EMA के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया था। तो अभी अगर यहाँ से और भी फॉल दिखाई देता है तो मंथली चार्ट के हिसाब से 20 EMA आ रहा है अराउंड 10,950 के पास। तो यहाँ से अगर ये एक्सटेंड होता है, ये फॉल अगर एक्सटेंड होता है, तो एज पर मंथली चार्ट लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से 10,950 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। तो इसके नीचे अगर जाता है तो ही यहाँ पर निफ्टी मार्केट में एकदम पैनिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये जो अपसाइड मूव आया था ये इसका करेक्शन ही है, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। तो मंथली चार्ट में अभी फिलहाल 10,950 काफी बड़ा सपोर्ट है 20 EMA का। पास में भी हमने देखा था इसको यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ था यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 50 EMA का सपोर्ट लेके ये बाउंस होता है। लेकिन ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का सिनारियो हम बता रहे हैं मंथली चार्ट में। चलते हैं वीकली चार्ट में। ये वीकली चार्ट अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था तो इसका ब्रेकडाउन मिला था, और लेकिन उसके बाद ये 20 EMA यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था, वो भी अभी ब्रेक हुआ है लास्ट वीक। तो अभी यहाँ से और नीचे की तरफ अगर मूव करता है, यानी 11,400 के नीचे मूव करता है, तो नेक्स्ट ये सपोर्ट होगा यहाँ पर, ये जो 50 EMA का ब्लू लाइन है यहाँ पर ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा, जो कि अराउंड अभी 11,223 के पास है एज पर वीकली चार्ट। RSI में भी यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे, और वीकली चार्ट में MACD ने यहाँ पर लैगिंग इंडिकेटर है लेकिन यहाँ पर इसने नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा दिया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से बनता है 11,223 के पास। अभी इसको अगर यहाँ से अप ट्रेंड दिखाना है तो इस 20 EMA और ट्रेंड लाइन के ऊपर इसे सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही यहाँ से टूवर्ड्स अपसाइड से जर्नी हमें दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल नेक्स्ट सपोर्ट होगा 11,223 एज पर वीकली चार्ट। हमने मंथली चार्ट के हिसाब से 10,950 का निकाला था जो कि 20 EMA वहां पर आ रहा, ठीक है। चलते हैं डेली चार्ट में। यह है डेली चार्ट निफ्टी का। यहाँ पर और एक मैंने मूविंग एवरेज इसको ऐड कर दिया जो कि 150 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो ब्राउन कलर का लाइन आप देख रहे हैं ये 150 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। फ्राइडे को एग्जैक्ट इसके पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है और इसी के पास आके क्लोज हुआ है। पास्ट में भी देखा था हमने इसी के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो अभी अगर 150 EMA को भी अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट क्या बन रहा है, जो कि आएगा यहाँ पर 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पर वो ऐड कर देता हूँ, एवरेज एक्सपोनेंशियल सिंपल मूविंग एवरेज 200 डेज, और कलर कर देता हूं, इसे रखता हूं सैफ्रन, थिकनेस बढ़ा देता हूं। तो 200 SMA यानी 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है अभी 11,125 के पास। तो एज पर डेली चार्ट अगर ये 150 EMA को अगर ब्रेक करता है, जो कि अराउंड अभी 11,400 के पास है, ये अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 11,125 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा। वीकली चार्ट में उससे पहले सपोर्ट आ रहा है 50 EMA का, जो कि अराउंड 11,220 के पास है। तो वो अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 200 डेज का होगा सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि अराउंड 11,125 के पास है। अभी ये यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है,
तो अगर ये यहाँ से कोई भी बाउंस बैक आता है तो ये जो मूविंग एवरेजेस है 100 ईएमए, बाद में 50 ईएमए, 20 ईएमए, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस के काम कर सकते हैं। सो लॉन्ग जाते वक्त कॉशियस रहे, हर एक जो बाउंस बैक आता है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पर हम शॉर्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है, लेकिन कॉशियस रहना होगा ट्रेड करते वक्त। तो यह है डेली, वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। काफी बड़ा फॉल आया था फ्राइडे को, तो फ्राइडे का अगर लो ब्रेक करता है, ये लो ब्रेक करता है 11,399 के नीचे, अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,367। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,332, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है, टूवर्ड्स अगर नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो ये जो हाफ एन आवर, लास्ट हाफ एन आवर का ये जो बेयरिश कैंडलस्टिक है, इसका हाई ब्रेक होने दीजिए, यानी 11,441 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,475। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,498, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।